हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशुल है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं राधे कृष्णा। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम अंशुल है और मैं माल्टा में रह रहा हूँ पिछले 3 साल से, और मैं वीडियोस बनाता हूँ माल्टा से रिलेटेड और लाइक वर्क परमिट से रिलेटेड, स्टूडेंट वीज़ा पे अगर आप आना चाह रहे हो, और अगर आपको अपना कवर लेटर बनवाना है, CV बनवाना है अपना जो कि यूरोपियन मार्केट में एक्सेप्टेबल है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना फेसबुक का लिंक शेयर कर दूंगा नीचे और अपनी ईमेल एड्रेस भी मैं शेयर कर दूंगा। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और फेसबुक पे भी मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, वो है माल्टा का बजट 2022 के लिए। और मैं इन डिटेल में नहीं जाऊँगा, अंदर नहीं घुसूँगा ज़्यादा। मैं वही मेन पॉइंट्स बताऊंगा जो कि मुझे लगता है रेलिवेंट है एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो आप जॉब करना चाह रहे हो यहाँ पर, या अगर आप एज अ स्टूडेंट आना चाह रहे हो, तो मैं वही पॉइंट्स खाली सिर्फ डिस्कस करूँगा। इसके अलावा मैं अदर चीज़ में नहीं जाऊँगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर टैक्सेशन से रिलेटेड ज़्यादा नहीं जाने वाला मैं। जो मेन जो मेजर पॉइंट्स है, मैं वही सिर्फ कवर करूँगा इस बजट के, ठीक है जी। और कुछ अगर एक्स्ट्रा लाइक बेनिफिट मिल रहा है फ्रॉम गवर्नमेंट से, तो वो मैं मेन पॉइंट्स डिस्कस करूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ मैं उन स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट मतलब जो उन पर्सन्स के लिए जो कि सोच रहे हैं कि एज अ स्टूडेंट आए माल्टा में। तो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, एक अच्छी खुशखबरी है जो माल्टा गवर्नमेंट ने जो बजट प्रेजेंट किया है कल 11 अक्टूबर को, उसमें ये था कि आप 20 आवर्स पहले काम कर सकते थे लीगली, बट राइट नाउ यू कैन मतलब फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर आप 25 घंटे लीगली काम कर सकते हैं। तो ये अच्छी एक पॉइंट है कि आप 5 आवर्स एडिशनल मिल रहा है आपको, तो 25 घंटे आप जो है पूरे हफ्ते में काम कर सकते हैं, मतलब 100 आवर्स पर मंथ आप काम कर सकते हैं, जो कि पहले था 80 आवर्स, तो 20 आवर्स बढ़ गए हैं पर मंथ। तो कि काफ़ी अच्छा स्टेप है ये स्टूडेंट्स के लिए, दे कैन अर्न मोर। तो एक ये अच्छा पॉइंट है। दूसरा जो KPMG की जो हाईलाइट्स है, उन्होंने समराइज कर रखा है, तो स्टूडेंट्स की जो स्टाइपेंड्स है वो भी बढ़ गई है 10% से, और स्टूडेंट्स 25 घंटे काम कर सकते लीगली, ओके। और दूसरा जो है, एक मेजर चीज मुझे डिस्कस करनी थी, वो था आपका स्पोर्ट्स। माल्टा विल होस्ट द गेम्स ऑफ द स्मॉल स्टेट्स ऑफ यूरोप 2023। ग्रांट्स इन द रीजन ऑफ 7 million स्टार्टेड बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम स्पोर्ट्स एसोसिएशन एंड द माल्टीज ओलंपिक कमिटी। तो ये बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है, इन द सेंस माल्टा होस्ट करने वाला 2023 का जो यूरोप स्मॉल स्टेट्स एक गेम होता है, प्रोग्राम होता है। तो इससे आपको बेसिकली फायदा क्या पहुंचेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, टूरिज्म बढ़ेगा इससे। जब टूरिज्म बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली हैव एन इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट पर। तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आने वाले टाइम में जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ेगी, जॉब्स बहुत होगी, स्पेशली टूरिज्म में, इवन हेल्थ इंडस्ट्री तो हमेशा रहती है रिक्वायरमेंट। तो ये अच्छा एक पॉइंट है जो मैं कवर करना चाह रहा था। तीसरा पॉइंट जो मैं कवर करना चाहूँगा वो था कि अब 1 अक्टूबर 2022 से ट्रांसपोर्टेशन, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्री है सारे के सारे जो रेजिडेंट्स हैं। ध्यान रखिए, जो रेजिडेंट्स, अगर आप टूरिस्ट आ रहे हैं तो स्टिल यू हैव टू पे, है ना, बट अगर आप रेजिडेंट्स, आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब कर रहे हैं यहाँ पर, तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आपको कार्ड लेने की जरूरत नहीं है, पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, फ्री हो गया है 1 अक्टूबर 2022 से, ये कन्फर्म हो गया है कल जो बजट प्रेजेंट हुआ है। तो एक ये इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी थी। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है या जो भी नेक्स्ट पॉइंट है वो मैं करना चाहता हूँ कवर, आपका एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड मैं आपको बता दूँ कि जो पार्ट टाइमर्स है, जो पहले 15% टैक्स पे करते थे, 15% जो टैक्स पे करते थे, अब वो पार्ट टाइम जॉब पर सिर्फ 10% टैक्स रह गया है, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गई है 1.75 पर वीक यूरो जो है, एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉइज, पेंशनर्स एंड दोज एंटाइटल टू सोशल बेनिफिट्स। स्टूडेंट्स विल ऑल्सो रिसीविंग स्टाइपेंड्स विल बेनिफिट फ्रॉम अ प्रोराटा बेसिस, उनके हिसाब से भी प्रोराटा बेसिस पर इंक्रीज हो जाएगी स्टूडेंट्स की भी। टैक्स रेट एप्लीकेबल टू इनकम टैक्स में मैं बता चुका हूँ, पॉइंट फ्रॉम पार्ट टाइम वर्क रिड्यूस टू 15% to 10% हो गया, ठीक है जी। उसके बाद एक ये अच्छा पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, जो एम्प्लॉइज, ध्यान से सुनिएगा आराम से, जो एम्प्लॉइज पूरे साल में, एंटायर 1 ईयर में, जिनकी सैलरी 20,000 यूरो से ऊपर नहीं है, ठीक है जी, और 10,000 जो यूरो फर्स्ट है फ्रॉम देयर इनकम डिराइव फ्रॉम ओवर टाइम वर्क, विल बी रेट एट
तो जिसकी इनकम पूरे साल में 20,000 यूरो से ऊपर नहीं है, तो जो फर्स्ट 10,000 हो गए वो टैक्स किए जाएंगे फ्लैट 15% से, और जो रिमेनिंग होगा वो जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है उसके हिसाब से, जो स्लैब रेट है। और एक और बेनिफिट है, जो एम्प्लॉई सेक्टर्स है सच एज हॉस्पिटल सेक्टर में आप काम करते हो, ट्रांसपोर्ट में काम करते हो, मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हो, आप ध्यान से सुनिएगा, कुछ सेक्टर्स बता रहा हूँ, अगर इन सेक्टर्स में काम करते हो आप, तो आपको 150 यूरो फ्रॉम 2022 से आपको मिलना शुरू हो जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट आपको देगी। तो एम्प्लॉयज इन सेक्टर सच एज हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल एंड रिटेल, हु वर्क नाइट, जो रात को काम करते हैं, वीकेंड्स में काम करते हैं, शिफ्ट्स में काम करते हैं, एंड जिसकी सैलरी 20,000 यूरो से ऊपर नहीं है, शैल रिसीव एन एनुअल इन वर्क बेनिफिट ऑफ 150 यूरो। ठीक है जी, दो कंडीशन होगी, इन सेक्टर्स में काम करना है आपको, और आपकी सैलरी 20,000 यूरो पूरे साल से ऊपर ना हो, तो आपको गवर्नमेंट से 150 यूरो हर साल मिलेगा आपको बेनिफिट। एक पॉइंट में, हालांकि इतना रेलिवेंट नहीं है आप लोगों के लिए जो जॉब आना चाह रहे हैं, जॉब के लिए आना चाह रहे हैं, या फिर जो एज अ स्टूडेंट भी आना चाह रहे हैं, वो ये है कि अगर आप बॉर्न करते हो बेबी 2022 में या फिर अडॉप्ट करते हो, तो गवर्नमेंट आपको 300 यूरो, पहले 300 यूरो था, अब 400 यूरो हो गया, कि आपको 400 यूरो मिलेंगे उस साल। ठीक है जी, एक ये बेनिफिट है। और पेंशनर्स के लिए भी कुछ बेनिफिट्स है, पेंशनर जो पेंशन है इंक्रीज हो गई है 5 यूरो पर वीक, ऑफ विच 1.75 रिलेट्स टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो आप नेट देख सकते क्या बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है जी, एक ये बेनिफिट है। और क्या है, और मेन पॉइंट स्टूडेंट्स को बता दी मैं, चिल्ड्रंस एंड ये हो गया, टैक्स रिमिशन, टैक्स रिफंड बताने, ट्रांसपोर्ट का मैंने बता दिया आपको, 1 अक्टूबर 2022 से फ्री ट्रांसपोर्टेशन है ऑल द रेजिडेंट्स के लिए। और ये आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5-7-10 सालों में जो व्हीकल्स है, जो है ना, जो पॉल्यूटेड व्हीकल्स है ना, जो डीजल से चलते हैं और जो है ना ऑयल वगैरह से चलते हैं फ्यूल से, वो धीरे धीरे वो रिड्यूस कर रही है, और फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले हैं, मतलब फुली इन द सेंस सारे के सारे व्हीकल्स आने वाले टाइम में सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, और पॉल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। तो वो फोकस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, प्रमोट कर रही है, इवन जो खरीदना चाह रहा है उसको जो है ग्रांट भी मिल रहा है ना, द ग्रांट फॉर, और इवन जो आप स्क्रैप कर रहे हो अपने जो पुराने व्हीकल्स है, मोटर व्हीकल्स, जो पॉल्यूटिंग मोटर व्हीकल्स है इन गोजों में, उनका ग्रांट बढ़ के 1,000 से 2,000 यूरो हो गया है। तो अगर आप स्क्रैप करते हो अपने पॉल्यूटिंग मोटर व्हीकल्स, तो आपको गवर्नमेंट आपको 2,000 यूरो देगी। चलिए जी, बढ़िया ये भी। और जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको बता ही दिया है, स्पोर्ट्स रिलेटेड बता दिया मैंने आपको, है ना, यूरोप 2023 में एक गेम ऑर्गेनाइज कर रही है, होस्ट कर रही है माल्टा, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, टूरिज्म बढ़ेगा, जब टूरिज्म बढ़ेगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेगी। ठीक है जी, और क्या है, ये हो गया। तो बस ये मेन जो मुझे लगे पॉइंट्स रिलेवेंट, हालांकि मैं इन डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, है ना, टैक्स रिलेटेड में जानना नहीं चाहूँगा ज़्यादा, कैपिटल गेन में नहीं जाना चाहूँगा मैं ज़्यादा, पेंशनर्स को बता दिया मैंने, आर्टिस्ट के लिए 7.5% इनकम टैक्स रेट है फ्लैट, है ना, एक इंट्रोड्यूस किया गया है, अगर आप आर्टिस्ट हो तो आपको 7.5% फ्लैट इनकम टैक्स रेट है फ्रॉम विद इफेक्ट फ्रॉम बेस ईयर 2022 से, 2022 से। तो ये हो गया है। और क्या, एम्प्लॉयमेंट ये बता दिया मैंने आपको, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बता दिया मैंने, और बिजनेसेस, मेरे हिसाब से बस यही मेन पॉइंट्स जो मुझे कवर करने बता दिए मैंने सारे आपको, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई फ़ायदा नहीं आपको बताने के लिए, मतलब डजंट मैटर। तो दोस्तों, ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो मैंने सोचे कि आपके साथ शेयर किए जाए, और स्टूडेंट्स से रिलेटेड थे कुछ, है ना, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड थे, और टूरिज्म से रिलेटेड थे, मुझे लगता था कि आने वाले टाइम में टूरिज्म बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिसका इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट से था, मैंने वो भी आपके साथ डिस्कस करे हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगे होंगे ये पॉइंट्स और जो बजट है, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली है माल्टा में, तो अगर आप अप्लाई करो तो यार हिम्मत मत हारो, मेरी सिर्फ एक ही आपसे ये वो है गुजारिश और रिक्वेस्ट कि हिम्मत मत हारो, हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती, ठीक है, तो प्लीज़ अप्लाई करते रहिए जॉब्स, हिम्मत मत हारिए, लिंक्डइन बहुत बढ़िया प्रोफाइल है, बहुत बढ़िया टूल है, वहाँ से आप अप्लाई करिए जॉब्स, है ना, बहुत सारी जो है वेबसाइट्स है वहाँ से अप्लाई करें, और स्टिल अगर आपको नहीं मिल रहा कोई रिस्पॉन्स तो स्टिल आप अप्लाई करते जाए, और अगर आपको कुछ भी रिलेटेड मेरे से रिलेटेड हेल्प चाहिए, मतलब कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ चीज़, तो प्लीज़ मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं,
है ना, फेसबुक में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूँगा, आप ईमेल भी मुझे कर सकते हैं, हेजिटेट मत कीजिएगा, जितनी बार भी ईमेल करेंगे मैं रिप्लाई करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं रिप्लाई करूँ, अगर इनकेस मिस हो जाए तो प्लीज़ मुझे आप रिमाइंडर भेजिए, ठीक है, और बस अपना प्यार देते रहिए यार ऐसे ही, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो यार शेयर भी कर देना, शेयर ज़रूर करना, और अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब कर देना यार चैनल मेरा, है ना, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो इसी तरीके से मैं वीडियोस बनाता रहूँ, आप मुझे अपना प्यार देते रहिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।